में चिड़िया और कालू कौवा उस जंगल में रहते थे। दोनों के घर भी पास पास ही थे। इन दिनों लक्ष्मी चिड़िया के अंडे होने वाले थे, जिस कारण उसकी तबीयत कुछ अच्छी ना थी। वो बहुत परेशान थी, क्योंकि जंगल में बरसात शुरू होने वाली थी। अगर जंगल में बरसात शुरू हो गई तो मैं क्या करूंगी? मेरे अंडे भी एक दो दिन में हो जाएंगे। मेरा घर तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं अपने अंडों की रक्षा कैसे करूंगी? मैं क्यों ना कालू कौवे के पास जाऊं? मैं उसे कहती हूं कि घर बनाने में मेरी मदद करे। वो चिड़िया ऐसा सोचते हुए कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ बताओ चिड़िया, क्या कहना चाहती हो? कौवे भैया, आपको तो पता ही है मेरे अंडे होने वाले हैं। मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं अपने घर को मरम्मत न कर सकी। तो जंगल में बरसात शुरू होने वाली है, आप मेरा घर बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दे। फिर अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। चिड़िया, ये बात करने से पहले तुम्हें मेरा घर नजर नहीं आया क्या? अगर मैंने घर बनाना होता तो मैं अपना ना बना लेता। मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ, मैं तो खुद ठीक नहीं हूँ। तुम जाकर किसी और की मदद दो, मुझे तो सुबह से ही चक्कर आ रहे हैं। और कालू कौवा ऐसे कह कर सो जाता है, और चिड़िया बेचारी वापस अपने घोंसले में आ जाती है। मैं भी ऐसे ही कालू के पास मदद के लिए चली गई। मैं तो अच्छे से ये बात जानती हूँ कि वो कितना काहिल और सुस्त है। उसने तो कभी भोजन तक ढूंढ कर नहीं खाया, मेरी मदद क्या करता। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद में ही हिम्मत पैदा करना होगी और अपने बच्चों के लिए घर खुद से बनाना होगा। और फिर वो चिड़िया अपने अंदर एक नई हिम्मत पैदा करती है और अपना घर बनाने का काम शुरू करती है। वो सारा दिन काम करती है और अपने लिए एक मजबूत घर बना लेती है। वो बहुत थक चुकी थी और अब उसकी सेहत भी कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। शायद अब उसके अंडे होने ही वाले थे। और फिर रात हो जाती है और चिड़िया अपने घर में सुरक्षित होकर सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया के अंडे भी हो चुके थे, वो बहुत खुश थी। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारा बहुत इंतजार है कि कब तुम इन अंडों से बाहर आओगे। अब मुझे थोड़ा भोजन भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। अगर बरसात शुरू हो गई तो मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। मैं कालू कौवे की तरफ जाती हूँ और उससे भी कहती हूँ मेरे साथ जाकर भोजन ले आए। खुद से तो वो कभी नहीं जाएगा, पर अगर बरसात शुरू हो गई तो मुझे आके तंग करेगा। और फिर वो चिड़िया कालू कौवे की तरफ चली जाती है। कालू भैया, उठ जाओ, अभी तक सोए हुए हो। चिड़िया, तुम आज फिर आ गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे तंग मत किया करो, लेकिन तुम पर जरा भी असर नहीं होता है। बड़ी ठीठ हो तुम। कालू भैया, मैं तो भोजन की खोज में जा रही थी, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। तुम भी भोजन ले आना, फिर साथ में तुम्हारे काम आएगा। तुम अपना भोजन लाओ और मेरी ज्यादा चिंता ना करो, मैं भी अपना बंदोबस्त कर लूंगा। और अब जाओ और मुझे सोने दो, जब तलखिया मुँह उठा के आ जाती हो। कालू भैया, तुम मेरे पड़ोसी हो, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं जाना तुम ना जाओ, मैं तो जा रही हूँ। जाओ जाओ और मुझे आराम करने दो। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया सारा दिन भोजन ढूंढ ढूंढ कर अपने घर में जमा करती है। फिर रात हो जाती है। अब मेरे पास इतना भोजन जमा हो चुका है कि बरसात के दिन आराम से गुजर जाएंगे। अब मैं अपने बच्चों के साथ बरसात के दिन मजे से गुजारूंगी। और फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और चिड़िया के अंडों में से भी दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। उन दिनों में बरसात भी शुरू हो जाती है। चिड़िया तो अपने घर में बहुत सुरक्षित थी अपने बच्चों के साथ, लेकिन कालू कौवे का घोंसला तो सारे का सारा पानी से भर गया था। अब मैं क्या करूं, मेरा तो घोंसला पानी से भर चुका है, मैं अब किधर जाऊं? वैसे ये चिड़िया किस दिन काम आएगी? ऐसे तो हर समय मुझे पड़ोसी पड़ोसी कहती रहती है, तो आज इस मुश्किल समय में चिड़िया अपने पड़ोसी की जरूर मदद करेगी। आखिर कालू कौवा चिड़िया के चिड़िया मेरी प्यारी दोस्त, जरा दरवाजा तो खोलना, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। क्या बात है कालू? चिड़िया, मेरा घोंसला पानी से भर गया है। तुम तो मेरी बहुत अच्छी पड़ोसन हो, मुझे अपने घर में आने दो। मैं बस आज की रात ही रुकूंगा तुम्हारे घर और सुबह होते ही चला जाऊंगा।
वो चिड़िया तो बहुत दयालु थी, उसे कालू कौवे पे बहुत दया आती है तो वो कालू कौवे को अंदर आने देती है। चिड़िया तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है और तुम्हारे बच्चे भी कितने सुंदर हैं। चिड़िया अगर कुछ खाने को दे दो तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ गरीब पर। और फिर चिड़िया कालू कौवे को भोजन दे देती है जिसे कालू कौवा खा कर तुरंत घोंसले में लेट कर सो जाता है। बाहर बारिश बहुत जोरों से हो रही थी और घर में कालू कौवा आराम से घोंसले में मजे लेकर सो रहा था। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को सुलाकर खुद भी सो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। कालू भैया उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ चिड़िया, मैं बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। वो क्या है कि कल सारा दिन बारिश में भीगा था, इस कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है, बस थोड़ी तबीयत संभलेगी तो चला जाऊंगा। अच्छा, मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हाँ हाँ चिड़िया, मैं रख लूंगा, तुम जाओ। और फिर चिड़िया चली जाती है। कालू कौवा चिड़िया का जमा किया हुआ सारा भोजन खा लेता है और सो जाता है। चिड़िया के बच्चे भूख से रो रहे, वो उन्हें डांट देता है। चुप कर जाओ नहीं तो तुम्हें चील के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे वहीं डर के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनकी मम्मा आती है तो वो देखती है कि कौवा अभी तक सो रहा था और घर में मौजूद सारा भोजन भी वो खा चुका था। चिड़िया कौवे की सारी चलाकी समझ चुकी थी कि कौवा उसे बेवकूफ बना रहा है। अब अपने घर से निकाल के ही रहो कौवे भैया, जरा उठो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे चावल लेके आई हूँ, वो बहुत वजनी है, तुम जरा उन्हें उठा कर घर के अंदर लेके आना। चावलों का सुनकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है, वो तुरंत घर से बाहर जाता है। चिड़िया जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया, ये तुमने अपने पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने वही किया जो तुम्हारे साथ मुझे करना चाहिए था। और कौवा बारिश में भीगता रहता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि काहली और सुस्ती हमारे लिए परेशानी की वजह ही बनती है। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।